दी सोशलिस्टिक थ्योरी इसका चौथा हिस्सा है, एप्रिसिएशन ऑफ सोशलिज्म ये फर्स्ट पार्ट है। सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर दोज टेंडेंसीज विच डिमांड ए ग्रेटर रिगार्ड फॉर द कॉमन वील देन एग्रीज विथ ह्यूमन नेचर रेसर कह रहे हैं, जर्मन इकोनॉमिक्स में कह रहे हैं। समाजवाद उन प्रवृत्तियों का पोषक है जो सार्वजनिक हित का इतना अधिक ध्यान रखना चाहती हैं जितना मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। ये जो है सोशलिज्म की एक तरह से आलोचना है। जैसे सोशलिज्म वाले पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं, स्वार्थवाद की आलोचना करते हैं, तो जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो स्वार्थवादी हैं, वो जो है समाजवाद की आलोचना कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि समाजवाद उन प्रवृत्तियों का पोषक है जो सार्वजनिक हित का इतना अधिक ध्यान रखना चाहती है जितना मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो समाजवादी काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है। इतना यही व्यक्तिवादी लोग और पूंजीवादी लोग कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता। ये आलोचना है। तो आलोचना का दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है, देयर आर टू क्लासेज ऑफ क्रैंक्स एंड क्रिमिनल्स हु अट्रैक्ट टूवर्ड्स सोशलिज्म। हर्नसा जो हैं वो कह रहे हैं इस चीज़ को कि सनकी और अपराधी ही ऐसे दो वर्ग हैं जो समाजवाद की ओर खींचते हैं। ये आलोचना है, समाजवाद की आलोचना है। व्यक्तिवादी पूंजीवादी लोग कह रहे हैं कि जो सनकी हैं, अपराधी हैं, यही दो वर्ग के लोग हैं जो समाजवाद की तरफ जाते हैं, जो स्वार्थी हैं और जो पूंजीवादी हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, वो इनकी तरफ, समाजवाद की तरफ नहीं जाते हैं। वो अपना व्यक्तिगत मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं, हवाला दिवाला घोटाला करें चाहे जो करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सनकी और अपराधी जो हैं ये समाजवाद की तरफ जाते हैं। आलोचना है ये। सोशलिज्म हैज मेनी हेड्स एज ए हाइड्रा एंड व्हाइल यू आर इंगेज्ड इन कटिंग वन अनदर स्प्रिंग अप इन इट्स प्लेस। यह भी आलोचना है, ये भी सोशलिज्म की आलोचना है, समाजवाद की आलोचना है। समाजवाद अनेक फनों वाला सांप है, जब तक एक फन काटो तब तक उसके स्थान पर दूसरा फन निकल आता है। तो जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ, जो संविधान बना, संविधान समाजवाद की बात करता है और जो है कल्याणकारी राज्य की बात करता है, इसलिए सरकार ने जो है पब्लिक सेक्टर खोले, लोगों को रोजगार मिला, देश आगे बढ़ा। आज जो है फांसीवादी पूंजीवादी और नाजीवादी या शैतानवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो सरकारी संस्थानों को भारत में बेच रही हैं, सारे जो चाहे लाभ कमाने वाली हो चाहे गैर लाभ कमाने वाली हो वो सब बेच रहे हैं, रेलवे, एयरवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक कि जितने टेलीकॉम सबको वो बेचने में लगे हैं। लेकिन होगा क्या, जो बेरोजगारी देश के अंदर फैल रही है, तो जो भी सरकार आएगी इसके बाद, जो भी सरकार आएगी, अगर उसे रोजगार देना है तो फिर से जो है पब्लिक सेक्टर को उसे बनाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि समाजवाद अनेक फनों वाला सांप है, जब तक एक फन काटो तब तक उसके स्थान पर दूसरा फन निकल आता है। अरे बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? ये पूंजीवाद में तो होता नहीं, व्यक्तिवाद में होता नहीं, स्वार्थवाद में होता नहीं, अंत में समाजवादी व्यवस्था ही है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो जाहिर है भारत के अंदर ये होने वाला है कि आप भले आज आप बेच लो पब्लिक सेक्टर को, लेकिन कल दूसरी जो सरकार आएगी जो नौजवानों को रोजगार देगी, तो उसे फिर से पब्लिक सेक्टर खड़ा करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। सोशलिज्म इज ए फिलॉसफी, ए रिलीजन एंड ए वे ऑफ लाइफ, समाजवाद एक दर्शन है, एक दर्शन और एक धर्म है। वह जीवन की एक पद्धति है, मतलब एक कल्चर है। समाजवाद एक कल्चर है समूह में काम करने का। जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो स्वार्थवादी हैं, वो अकेले काम करना चाहते हैं, हर चीज़ पर अकेले कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन जो सभ्यता की ओर
मानव ने कदम बढ़ाए हैं, तो एक संस्कृति का जन्म हुआ, एक कल्चर का जन्म हुआ जिसमें लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं। तो समाजवाद यही है, मिलजुल करके काम करो, जियो और जीने दो, एक दूसरे का सहारा बनो, यही समाजवाद है। यानी जो कमज़ोर वर्ग है, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनका भी ख्याल रखो, ये समाजवाद में होता है। और जो फिटेस्ट हैं, जो यानी जो फिटेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, वही व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और स्वार्थवाद में जीवित रहते हैं। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, समाजवाद में ऐसा नहीं होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। बड़ी मछली को रहना है, बड़ी मछली भी रहे, छोटी मछली भी रहे, सब अपनी ज़िंदगी जिए। तो क्यों इतना आतंक, ठहर जाओ गर्वीले और जीने दे सबको, फिर तू भी सुख से जी ले। ये समाजवाद में है, एक कल्चर है ये समाजवाद का। इट इज़ ए लाइव एक्टिव मूवमेंट विच हैज नो बाउंड्री ऑफ पॉसिबिलिटीज, नो बाउंड्री ऑफ पॉसिबिलिटीज। यह एक सजीव सक्रिय आंदोलन है। समाजवाद क्या है? यह एक सजीव सक्रिय आंदोलन है जिसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, जिसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्रवादी भी होता है। समाजवादी जो है लोकतंत्रवादी भी होते हैं और समाज के हर वर्गों का ख्याल रखते हैं, उसके अनुसार योजना बनाते हैं। तो ये इसकी संभावनाओं की, जिसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, यानी यह एक सजीव और सक्रिय आंदोलन है। समाजवादी आंदोलन सजीव है और सक्रिय आंदोलन है। सोशलिज्म इज नॉट ए रेडीमेड एंड ए डेफिनेट ऑर्डर विच कैन नॉट मैच विथ ऑलवेज चेंजिंग कंडीशंस, विथ ऑलवेज चेंजिंग कंडीशन। समाजवाद एक बनी बनाई या निश्चित व्यवस्था नहीं है जो सदैव बदलने वाली हालातों से मेल ना खाए। यानी समाजवाद जो है, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, कंडीशंस बदलते हैं, वैसे वैसे समाजवाद का रूप भी बदलता है। ज़रूरी नहीं है कि रसिया और चाइना का समाजवाद भारत में लागू हो, भारत को अपनी परिस्थितियों में समाजवाद को लागू करना पड़ेगा। जैसे इस्लामिक जो गणराज्य हैं, अगर देखा जाए तो उनको समाजवादी होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की जो शिक्षाएँ वो समाजवादी हैं, होना चाहिए। तो हर देश जो है अपने 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 देश में सोशलिज्म को अपने ढंग से विकसित कर सकता है। इसी तरह से बौद्ध राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र भी जो है समाजवादी हो सकते हैं और होना भी चाहिए। तो वो अपने हिसाब से समाजवाद को विकसित कर सकते हैं। तो समाजवाद कोई बनी बनाई व्यवस्था नहीं है, इसको अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार विकसित करना होता है। जैसे हमारे भारत देश में 100 साल से कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहा है, लेकिन सवर्णों के नेतृत्व में चल रहा था। अब सवर्णों का नेतृत्व खत्म हो गया, सब भगवा वाले हो गए, लाल रंग से भगवा वाले हो गए हैं। अब जो नीचे का तबका वहाँ निकल रहा है, नीचे के वर्गों से जो लीडर निकल रहे हैं, अब उनको जय भीम बोलना पड़ रहा है, यानी जय भीम लाल सलाम बोलना पड़ रहा है। तो कारण क्या है कि यहाँ जो सर्वहारा है भारत देश के अंदर, वो SC ST OBC माइनॉरिटी है, और इनके बीच में जो है फुले, अंबेडकर, पेरियार, साहू की फिलॉसफी काम करती है। तो समाजवाद को जो है इसको लेकर के चलना पड़ेगा, अगर भारत में समाजवादी व्यवस्था लागू करना है। तो सोशलिज्म इज नॉट फॉर फ्यू पीपल ऑफ सोसाइटी, रादर देन इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पीपल। समाजवाद सबके कुछ लोगों के बजाय सब लोगों के हित चाहता है। समाजवाद समाज के कुछ लोगों के बजाय सब लोगों का हित चाहता है। समाजवाद ऐसा नहीं है कुछ लोगों का हित चाहता है समाज में, बाकी लोगों का नहीं। समाज के हर वर्ग का हित समाजवाद में है, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बीमार हो, सबके लिए समाजवाद में स्थान है। समाजवाद को करना पड़ता है, तभी वो समाजवाद है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। यह राजनीतिक स्वतंत्र संघर्ष की अगली मंजिल है, जैसे भारत देश आज़ाद हुआ है, लेकिन यहाँ का SC ST OBC जो माइनॉरिटी का समाज है वो सवर्णों का गुलाम था। तो अगर समाजवाद जो है भारत देश के अंदर लागू होता है, तो सबसे पहले आज़ादी इनको देनी पड़ेगी, SC ST OBC माइनॉरिटी को देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ का जो सवर्ण तबका है वो नहीं चाहता कि ये लोग आज़ाद हो जाएं। लेकिन जब समाजवाद आएगा तब राजनीतिक स्वातंत्र मिलेगा इस मूलनिवासी बहुजन समाज को, यानी समाजवाद से मिलेगा। अगर समाजवाद नहीं है तो राजनीतिक आज़ादी SC ST OBC माइनॉरिटी को नहीं मिलने वाला है, मूलनिवासी बहुजन को इस भारत देश के अंदर नहीं मिलने वाला है। It is the next step of democracy. यह लोकतंत्र में अगला कदम है, यह लोकतंत्र में
हाँ, ये लोकतंत्र का अगला कदम है। ये सही देखा जाए तो लोकतंत्र जब आता है तो समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखता है, इसलिए समाजवाद को लागू करना पड़ता है। तो जो लोकतंत्र का ये अगला कदम समाजवाद है, ये हमारे मूलवासी बहुजनों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए अगर उन्हें भारत देश के अंदर रहना है और वो अपना कल्याण करना है तो